हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है, जो चुनाव कंडक्ट करवाती है, आचार संहिता लगवाती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में वर्णित है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपको 324 याद रखना है, ठीक है। सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति, अगर हम सदस्य की बात करें तो इसके तीन सदस्य हैं, मतलब एक होगा आयुक्त, ठीक है, और दो अन्य आयुक्त, ठीक है, दो अन्य आयुक्त हैं, एक आयुक्त होगा और एक दो अन्य आयुक्त होते हैं, मतलब जो छोटे स्तर के हैं, छोटे वाले आयुक्त होते हैं, तो एक आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होंगे, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इनका कार्यकाल, यदि कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष का होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। एग्जाम में कंफ्यूजन यही हो जाता है कि किसका 5 है किसका 6 है, तो याद रखना निर्वाचन आयोग का कितना है, 6 वर्ष है, ठीक है, या वही आपका 65 वर्ष, 6 वर्ष या उनकी आयु जो है 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। अगर आप मान लो कि इसमें त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है, क्योंकि नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को। अगर मान लो इसे हटाना है, मतलब जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त है, सिर्फ मुख्य आयुक्त हैं, उन्हें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो ऐसे ही हटाएंगे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाते हैं, तो इसे भी पद मुक्ति जो होगी वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही जैसे उसे हटाने में होती है वैसी होगी, ठीक है। अब देखो इसके कार्य क्या होंगे, तो इसके कार्य होगा, नंबर 1 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को कंडक्ट करवाना, ठीक है। संसद, मतलब संसद में राष्ट्रपति आ गए, तो अब आएगा लोकसभा राज्यसभा, संसद लोकसभा राज्यसभा हो गई, साथ में ही आपके किसका चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया, तो ये संसद हो गया पूरा कंप्लीट। फिर विधानमंडल, विधानमंडल में क्या आएगा, तो विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी, इनसे संबंधित भी कार्य होगा, तो इनका निर्वाचन भी करवाना है, ठीक है। इसी के साथ में भी चुनाव चिन्ह का भी बात करते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, ठीक है, इसके बारे में भी ये अपना स्वयं का मत रखती है। साथ ही निर्वाचन से संबंधित संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित नियमावली को बनाती है, नामावली जो भी होती है, नामावली जिसमें हम वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं उसका गठन करती है, उसका निर्माण करती है। साथ ही राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी को अपना प्रतीक चिन्ह भी देती है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। अब देखिए, राज्य स्तर पर यदि कोई ग्रामीण चुनाव होना है या नगरी निकाय चुनाव होना है या पंचायती चुनाव, तो ये जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इस निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ, ठीक है, 25 जनवरी 1950। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब पूछा आता है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और वहीं पर राज्य मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग जो है, स्टेट निर्वाचन आयोग, इसका स्थापना 19 जनवरी 1994 को की गई, तो अंतर है, तो याद रखिएगा। तो राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग आपकी नगर पालिका या ग्राम पंचायत जनपद पंचायत इनके निर्वाचन को करवाती है स्थानीय निकाय के, जबकि जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग है यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद विधानमंडल इनका निर्वाचन करवाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत वर्णित है। प्रश्न पूछा जाता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है,
ये आपको आचार संहिता भी लगाती है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आचार संहिता लगाना, मतलब चुनाव से पहले कुछ समय पहले जब चुनाव की घोषणा की जाती है या अलग जब भी समय रहता है तो उनको एक आचार संहिता के अंतर्गत ये कार्य करती है। यदि उल्लंघन करते हैं कोई आचार संहिता का तो उससे संबंधित भी सुनवाई का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन इसके लिए उम्मीदवार होगा, जो निर्वाचन जो भी चुनाव में खड़ा हो रहा है तो सही उम्मीदवार की पहचान करना भी, मतलब कि उनकी जो भी योग्यताएं हैं उसके बारे में निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।